क्या आप ज्वार की रोटी को रोज अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे से गूंथ नहीं पाती, बनाते समय टूट जाती है या मोटी और बहुत कच्ची बनती है, इस कारण आप उसे खा नहीं पाते? तो चलिए, आपकी इस समस्या का आज हम समाधान लेकर आए हैं। आज मोनिका के किचन में हैं, जहां वो बताएंगी कि बढ़िया ज्वार का आटा कैसे गूंथा जाता है और उसकी करारी रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ज्वार की रोटी बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ समय समय पे खूब सारे टिप दूंगी, जिससे आप बहुत ही मुलायम और बढ़िया रोटी बना सकें। सबसे पहली टिप है कि हमें जितना पानी लेना है उतना ही आटा, तब आटा और पानी का प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। 100 मिलीलीटर पानी डाल रही हूँ, जो कि छोटा वाला मेजरिंग कप है। मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इस पानी को बॉयल होने दें। मैं नॉर्मली ई ट्राई बास्केट का ही आटा यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही फाइबर रिच है और एकदम शुद्ध है, और इससे एकदम परफेक्ट मुलायम रोटियां बनती हैं। आज मैं इसी से आपको रोटियां बनाना दिखाऊंगी। जब तक मैं पानी गर्म हो रहा है, हम लोग इस कप को भर के आटा ले लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे और हम इसमें ये आटा डाल देंगे और इस आटे को चम्मच से चबा के एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे हमारी टिप नंबर दो, हमें आटे में पानी नहीं डालना है। ज्वार का आटा मारने के लिए हमें पानी में आटे को डालना है। अब इस स्टेज पे ये आटा बहुत गर्म है, हम इसको 2 से 3 मिनट तक, या यूं समझिए कि जब तक ये हमारे गूथने लायक नहीं हो जाता, तब तक के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। इस तरीके से 2 मिनट बाद मेरा आटा ऐसा हो गया। अब हम इसे उस बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हमको आटा गूंथना है। फिर इस स्टेज पे हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ऐसा होता है कई बार हमसे पानी और आटे की प्रपोर्शन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो कई बार ये सूखा हो जाता है थोड़ा सा, या फिर गीला हो जाता है। अगर गीला है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको 1 मिनट के लिए, या फिर ये समझिए 30 सेकेंड्स के लिए, हमें वापस इसको गर्म गैस को ऑन करके इसको चलाते रहना है। और अगर ये सूखा हो गया है तो फिर हमें इस आटे को सूखे हाथों से नहीं, गीले हाथों से मारना है। आप इस तरीके से अगर ज्वार का आटा मारेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे गेहूं का आटा हम मारते हैं, जैसे कि गेहूं की रोटियां बनती हैं। इसको थोड़ी देर हमें नीट करना है जिससे कि रोटी में किनारे क्रैक ना आए और ये थोड़ा सा और मुलायम हो जाए। ये देखिए, हमारा मुलायम आटा बनके तैयार है। अब हम रोटी सेकेंगे। आइए, अब रोटी बनाते हैं। हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसपे, ये तो बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह ही रोटी आप बेल रही हैं। ये देखिए, ये रोटी कितनी आसानी से बेल जाती है। यहाँ पे एक और टिप, हमें करारी रोटी पसंद है तो हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, और अगर हमें रोटियां सॉफ्ट मुलायम पसंद है तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, रोटी फूलने लग गई है, अंदर भाप बन रही है, बहुत अच्छे से सिकेगी। ये तो बहुत ही बढ़िया रोटी बन रही है। आई एम श्योर मिलेट्स की रोटियां अक्सर फूलती नहीं हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से आटा गूंथा है, इस अनुपात में आटा गूंथा है जैसा मोनिका ने बताया है, तो आपको ऐसी करारी करारी धीमी आंच पर सिकी हुई रोटियां मिल जाएंगी। अब हमारी रोटी सर्व करने के लिए तैयार है। इसको प्लेट में डालेंगे। और इस पर घी लगाएंगे, क्योंकि मिलेट्स का घी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस बताया जाता है। जो मिलेट्स के फायदे हैं वो देसी घी से और एक्सेंचुएट यानी बढ़ जाते हैं। तो ये रही आपकी न्यूट्रिशियस मिलेट की ज्वार रोटी, जो आप रोज अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। और हम ये वीडियो आप तक क्यों लाए? ताकि आप अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। ईट राइट एंड स्टे हेल्दी।